हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेचुरल ब्यूटी केयर एम्बिक्टेशन। तो आज मैं आप लोगों को एक DIY नेचुरली हेयर स्ट्रेटनिंग एंड हेयर शाइनिंग वाला नुस्खा बताऊंगी। इसके लिए आपको भिंडिया चाहिए, जो वेस्ट हो जाती है भिंडिया का नीचे की पार्ट, वो ही आपको यूज करनी है और आपके बालों को शाइनी और सिल्की बनाना है। आप मार्केट में जो तरह तरह की केमिकल वाले ट्रीटमेंट कराती हो अपने हेयर को, उसकी वजह से अगर डैमेज हो गया है, तो ये वाला जो नुस्खा है अप्लाई करने से आपका हेयर रिपेयर हो जाएगा। अगर आपके हेयर ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम है तो ये भी ठीक कर देगा ये नुस्खा। तो इस नुस्खा को चलो हम बनाते हैं। इस नुस्खा को बनाने के लिए आपको भिंडिया चाहिए, जो नीचे की पार्ट होती है। अगर आप चाहो तो फ्रेश भिंडिया भी ले सकती हो। एक पैन में आपको 3 से 4 कप वाटर लेनी है और जो भिंडिया की जो नीचे वाला पार्ट है उसको डाल देनी है, वॉश करके ही डालना है। अगर आप चाहो तो फ्रेश भिंडिया भी ले सकती हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास वेस्ट का जो भिंडिया था मैं उसको लेके यूज कर रही हूँ। देखो अभी कैसे उबाल आना शुरू हो गया है। आप उसमें 3 से 4 कप पानी दिए थे, वो 2 कप होना चाहिए। देखो रेडी हो गया है। अभी हम और एक प्रिपेयर करेंगे उसमें डालने के लिए। 1 कप वाटर लेके उसमें कॉर्नस्टार्च पाउडर डालना है और अच्छे से मिक्स कर देना है। ये भी रेडी हो गया है। देखो अभी एक स्ट्रेनर की मदद से हम स्ट्रेन कर लेंगे, वो सारे जेल निकाल लें। अगर आपके पास कोई भी स्ट्रेनर नहीं है तो आप कपड़े के भी मदद से स्ट्रेन कर सकते हैं उसको। देखो अभी कैसे जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। जो कॉर्नस्टार्च पाउडर को बना के जो मिक्स की थी 1 कप वाटर में, उसे भी डाल के एक उबाल कर देनी है। मैं आपको बताना भूल गई थी। रेडी हो गया है ये जेल बन के। देखो तो हम इसे अभी कैसे यूज करें। अपने हेयर को वॉश करके इसको लगा देना है और 2-3 घंटे लगा रहने दे अपने हेयर पर, फिर वॉश कर लेनी। आप जो महंगा महंगा केमिकल वाला अपने हेयर पर यूज करते हो पार्लर में जाके, जो आपके हेयर को डैमेज कर देता है, वो इसे भी रिपेयर कर देता है और नीचे से जो स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम होती है हेयर पर, उसे भी दूर कर देता है। आगे भी ऐसे हेयर रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए।